डियर स्टूडेंट, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू सब कंटेंट, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। इंडस्ट्रियल रीजन्स इमर्ज व्हेन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज लोकेट क्लोज टू ईच अदर एंड शेयर द बेनिफिट्स ऑफ देयर क्लोजनेस। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न एशिया। इंडिया हैज सेवरल इंडस्ट्रियल रीजन्स लाइक मुंबई पुणे क्लस्टर, बेंगलोर तमिलनाडु रीजन्स, हुगली रीजन, अहमदाबाद बड़ौदा रीजन, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट, गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज। द वर्ल्ड्स मेजर इंडस्ट्रीज आर द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। द आयरन एंड स्टील एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आर द ओल्डर इंडस्ट्रीज एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज एन इमर्जिंग इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, द इनपुट्स फॉर द इंडस्ट्री इंक्लूड रॉ मटेरियल्स सच एज आयरन ओर, कोल एंड लाइमस्टोन, अलोंग विथ लेबर कैपिटल साइट एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आयरन ओर इंटू स्टील इन्वॉल्व्स मेनी स्टेजेज। द रॉ मटेरियल इज पुट इन द ब्लास्ट फरेंस वेयर इट अंडरगोज स्मेल्टिंग, इट इज देन रिफाइंड। द आउटपुट ऑब्टेन्ड इज स्टील विच मे बी यूज बाई अदर इंडस्ट्रीज एज रॉ मटेरियल। द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज रेफर्ड टू एज द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। दिस इज सो बिकॉज इट इज फीडर इंडस्ट्री वेयर प्रोडक्ट्स आर यूज एज रॉ मटेरियल्स फॉर अदर इंडस्ट्री। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड वॉज स्टार्टेड इन 1907 एट साक्ची नियर द कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर्स सुबर्णरेखा एंड खरकई इन झारखंड। एट प्रेजेंट टाइम नोन एज जमशेदपुर। जमशेदपुर इज द मोस्ट कन्विंसिंगली सिचुएटेड आयरन एंड स्टील सेंटर इन द कंट्री। साक्षी वॉज चोजन टू सेट अप द स्टील प्लांट फॉर सेवरल रीजन्स। अवेलेबिलिटी ऑफ कोल वेरी इंपॉर्टेंट। द खरकई एंड सुवर्णरेखा रिवर्स इंश्योर्ड सफिशियंट वाटर सप्लाई। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स प्रोवाइडेड एडिक्वेट कैपिटल फॉर इट्स लेटर डेवलपमेंट। इन जमशेदपुर सेवरल अदर इंडस्ट्रियल प्लांट्स वर सेटअप आफ्टर टिस्को। दे प्रोड्यूस केमिकल लोकोमोटिव पार्ट्स, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट, मशीनरी, केबल एंड वायर। द डेवलपमेंट ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज ओपन द डोर्स टू रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। द इंडियन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स एज वेल एज मिनी स्टील मिल्स। It also includes secondary producers, rolling mills and
other industries. Petersburg and Osaka, very important in the world for textile industries. Petersburg important for iron and steel industries. It is an important steel city of the United States of America. The steel industries at Petersburg enjoys locational advantages. The shipping of ore is also convenient pathway. The Great Lakes of North America. From the lakes to the industrial area, trains are there to carry the ore. Rivers like the Ohio for water supply. Finished steel is transported to the market by both land and water routes. Cotton textile industry. Weaving cloth from yarn is an ancient art. Cotton, wool, silk, jute, flax have been used for making cloth. The textile industries can be divided on the basis of raw material used in them. Fibers are the raw material of textile industries. Fibers can be natural or man-made. The cotton textile industries is one of the oldest industries in the world. Osaka is an important textile industry or center in Japan. It is called the Manchester of Japan. Every important center, geographical factors played an important role in the establishment of industry. The plains around Osaka meant land was easily available for growth of cotton mills. Warm and humid climate is well suited to the spinning and weaving of cotton. The river Yodo provides adequate water supply, easily available labor and location of port are also significant factors. Ahmedabad in Gujarat, very important for textile industries. The first mill was established in 1859. Ahmedabad was therefore often referred to as the Manchester of India. Favorable locational factors were responsible for the development of textile industry in Ahmedabad. Ahmedabad is situated very close to cotton growing area. This ensures easy availability of raw material. The climate is ideal for spinning and weaving. The densely populated states of Gujarat and Maharashtra provide both skilled and semi-skilled labor. Well-developed road and railway network permits easy transportation of textiles to different parts of the country, thus providing easy access to the market. Mumbai port nearby facilitates import of machinery and export of cotton textiles.